ओम शांति। 4 नवंबर की श्री रुद्रनाम सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं अटल निश्चय द्वारा, अटल निश्चय द्वारा सहज विजयी का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भवा। निश्चय की निशानी है सहज विजयी। जो निश्चिंत होता है उसको ये पता होता है कि मेरी विजय होनी ही होनी है, तो फिर क्यों डरना। लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सॉरी, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं। सिर्फ ये नहीं कि हाँ बाबा है मेरे साथ है, ये होगा ही होगा, मेरा काम पूरा होगा, नहीं। अपने आप में, अपने क्वालिटीज़ में, अपने गुणों में, अपनी शक्तियों में, अपनी सद्बुद्धि में, अपने विवेक में, क्योंकि परमात्मा ने दिया है एक्चुअली, लेकिन उसमें भी विजय होऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास में सब कुछ गुण हैं, शक्तियाँ हैं, ये भी निश्चय होना चाहिए। फिर थर्ड है ब्राह्मण परिवार में, कि ब्राह्मण परिवार जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, सब अच्छा है, कल्याणकारी है, और हर किसी का हिसाब किताब चुप होते जा रहा है, साक्ष्यों पर देखना है, और ड्रामा में हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। छोटी सी कोई बात आ गई, सिचुएशन आ गई, उसमें आप फिर बेफिक्र बादशाह से आप हो गए, फिर फिक्र करने वाले बादशाह, तो फिर ये गलत हो गया। मैं छोटी सी बात आई और फिर आपका क्या निश्चय क्या हो गया, हिलगेट हो गया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतनी खूबी है कि नहीं है, काबिलियत है कि नहीं है, ये नहीं। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती, मतलब विजय हुई हुई है। ऐसे निश्चयबुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। तो मतलब वो रीजनिंग्स में नहीं आते हैं, मतलब कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं, बीती होगी बिंदी में नहीं सीखा उससे, अच्छा ये कारण से मेरे अंदर एक कमी आ रही है, आगे बढ़े, चेंज किया, और क्या रहते हैं इस कारण से वो सदा हर्षित रहते हैं। लेकिन जो इंसान क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्यों क्या हुआ, ऐसे क्यों क्या, वो बिल्कुल अपने आप को भी गिराते हैं, अपने मूड को भी गिराते हैं, ऑफ करते हैं, जो कहते हैं ऑफ करना मूड को, और हर्षितपन भी खत्म हो जाता है उनका, वो खुश नसीब नहीं रह पाते हैं। हम शांति।